अच्छा, दुनिया के तेज तरीन कवानीन तो पास करा लिए इस पार्लियामेंट से, जाती हुई पार्लियामेंट। चैलेंज तो अपनी जगह हो गई, लेकिन सबसे जो मजेदार एक कानून है वो फेक न्यूज के हवाले से, आप बड़ी जबरदस्त बात समझिएगा। शहबाज शरीफ ने जो तकरीरें सारी आज जलसे में की, उसमें 90% तो झूठ है। इमरान खान साहब के बारे में बोला, नवाज शरीफ के बारे में कहा, नवाज शरीफ तो सेहतयाब है या मुल्क से बाहर है, भगोड़ा नहीं है। जो बातें भी सारी उसने कही हैं तो वो 90% तो झूठ है। फिर वो चैनल ने भी चला भी दिया, तो चैनल ने भी तो झूठ बोला ना, चैनल ने झूठ जो चला दिया सारा। तो फिर अब हालात तो इनके लिए फिर फेस करना पड़ेगा ना, इनको सारों को, इन सारे मामलात को फेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हालात इनके लिए बनते हैं। वहां से आप समझ सकते हैं कि हालात इनके लिए कितने मुश्किल होते जा रहे हैं, कि जो अपने इनके का बनाए हुए कानून वो इनके गले में पड़ने वाले हैं, वो इनके गले में पड़ने वाले हैं। और साथ साथ एक और बात बताता चलूं कि जनाब, मर्दमशुमारी की बुनियाद, रात मैंने आपको पता है वो वीडियो मैंने चला दिया था, लेकिन एक ही रह गया था, मर्दमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन आगे नहीं जा सकते। एक तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पूरी नहीं है, 2 असेंबलियों के वजीर आला नहीं है, निगरान वजीर आला नहीं बैठ सकता उसके अंदर, वो नहीं फैसला, उसकी हैसियत ही कोई नहीं है। इलेक्टेड लोगों ने वहां पर बैठना है। और फिर अगली जो बात है, आइन में तरमीम करनी पड़ेगी सीटों की एडजस्टमेंट के लिए, तो उसके बगैर जो है आइन में और 2/3 चाहिए। तो इसलिए सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर जो है ना कि जनाब मर्दमशुमारी की बुनियाद के ऊपर आप इलेक्शन आगे डिले कर दें, वो नहीं है। और इलेक्शन डिले होने का वो मैं रात को बता चुका हूं कि वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान में अगर लाना है तो वो बुनियाद बनेगी। तो इसलिए ये क्या कहेंगे, दाल रोटी सी बाव बिकेगी।